जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो है वो लीडरशिप के ऊपर जो है बात करेंगे। लीडरशिप बेसिकली हमारा ये न्यू चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये है कि लीडरशिप के ऊपर आज से पहले भी बात हो चुकी है क्लास में, डिफरेंट वक्तों में लीडरशिप के ऊपर बात हुई है। लीडर कौन होता है, क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस हुई हैं, लेकिन आज हम ऑफिशियली इसको जो है लीडरशिप का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बुक में भी ये लीडरशिप का एक चैप्टर है, और आज की वीडियो हम टोटली डिवोट कर रहे हैं इस लीडरशिप के टॉपिक को। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऑफिशियल डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं जो कि लीडरशिप की है, जो डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट फिलोसफर्स कह लें या रिसर्चर्स कह लें, उन्होंने डिफरेंट वक्तों में वो डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है, वो डेफिनेशंस क्या हैं आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त आ रही हैं, सामने ऑथर का नाम भी आ रहा है। डिफरेंट ऑथर्स हैं, उनके कुछ चाइनीज प्रोवर्ब्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट जो है लोगों ने डिफरेंट तरीके से लीडर को डिफाइन किया है कि एक लीडर होता क्या है। ठीक है, तो उसमें से कुछ आपके सामने, मैनेजमेंट मींस हेल्पिंग पीपल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देमसेल्फ, नॉट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। ठीक है, तो कुछ ने मैनेजमेंट को इस तरह से कहा है कि ऑर्गेनाइजिंग नहीं होती बल्कि लोगों से बेस्ट आउटपुट निकलवाना एक मैनेजमेंट है, जो कि एक स्किल है। कुछ ने, लॉरेन एपली ने इस तरह से डिफाइन किया है, क्योंकि हर बंदे का एक अलग अपना जाविया होता है। डेफिनेशन बुक्स में बेशुमार मौजूद है। ठीक है, किसने क्या बात कही है, उसमें से चंद एक डेफिनेशंस निकाल के ये स्क्रीन पे आपके सामने पेश की जा रही है। ठीक है, बिहाइंड एन एबल मैन देर आर ऑलवेज अदर एबल मैन, ये चाइनीज प्रोवर्ब है। आई प्रेज लाउडली, आई ब्लेम सॉफ्टली, कैथरीन। ठीक है, इसी तरीके से ये डिफरेंट जो है वो कुछ डेफिनेशन है या प्रोवर्ब्स आप कह लें, ठीक है, कुछ फ्रेजेज हो गए जो कि लीडरशिप के ऊपर मौजूद है आपकी बुक में, और डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट फ्रेजेज हैं। ठीक है, की रिजल्ट्स के ऊपर आना इस वजह से जरूरी है, जस्ट टू हैव अ लुक के अगर हम लीडरशिप यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लीडरशिप का एक एलिमेंट यूज करते हैं, तो उसका क्या की रिजल्ट निकलेगा। तो आप देख सकते हैं सामने के डिपार्टमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसीज या आउटकम्स, रिजल्ट्स डिफाइंड इन योर स्ट्रेटेजिक प्लान, यानी कि आपके स्ट्रेटेजिक प्लान में वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है जी, डिफाइन हाई परफॉर्मेंस फॉर योर डिपार्टमेंट और डिवीजन यूजिंग अ मॉडल एड्रेस अलाइनमेंट थ्रू आउट द मिनिस्ट्री डिवीजन, यानी कि आपने हाई परफॉर्मेंस मॉडल डिफाइन करना है। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री या डिवीजन की को जो है वो अलाइन करे। लिंक इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज एंड परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज को लिंक करने का मतलब ये है कि अगर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट लोग हैं काम करने वाले, हर किसी बंदी की कॉम्पिटेंसी है, जैसे कोई हार्डवेयर में अच्छा है, कोई सॉफ्टवेयर में अच्छा है, तो इन चीजों को इंटीग्रेट कर देना, तो इसको लिंक करना कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर परफॉर्मेंस बेस्ड डायग्नोस्टिक मॉडल्स, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो है आपकी असेसमेंट होनी चाहिए। आइडेंटिफाई गैप्स बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट, यानी ये गैप एनालिसिस कहलाती है कि आपको क्या चाहिए और क्या आपने किया है। इसी तरीके से एक्शन प्लान डेवलप करना और काफी सारी चीजें डेवलप करना, तो ये की रिजल्ट्स हैं फैब। तो बस ये ऐसी हम इसको स्लाइड को देख रहे हैं, अभी हम इसको ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। एक और प्रोवर्ब आ गया है, और ये बहुत अच्छा सेइंग है, एक तरीके से प्रोवर्ब नहीं कहेंगे इसको, आप ये कहेंगे कि एक बहुत अच्छा फ्रेज है, सेइंग है। क्या लिखा है, मैनेजर्स आर पीपल हु डू थिंग्स राइट, यानी मैनेजर कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि चीजों को सही करते हैं। वाइल लीडर्स आर पीपल हु डू द राइट थिंग्स, जबकि लीडर वो लोग होते हैं जो सही काम करते हैं। देखें, बहुत अच्छी बात कही है वारन बेनिस, जो पीएचडी है एक ऑन बिकमिंग अ लीडर, इन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ है लीडरशिप के ऊपर, और ये पीएचडी है, नाम लिखा है नीचे। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की और फर्क बता दिया मैनेजर और लीडर में। जब से हमारी लीडर की बात चल रही है, हम उसमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर लीडर में और मैनेजर में क्या फर्क होता है, हम इसको डिस्कस भी करते रहे वक्तन फवक्तन, ओकेजनली और टाइमली, लेकिन आज देखें एक ऑफिशियल डेफिनेशन या फर्क आप कह लें आपके सामने है। वारन बेनिस ने क्या बताया कि मैनेजर वो लोग होते हैं जो काम को सही करते हैं, हु डू थिंग्स राइट, ठीक है, वाइल लीडर्स आर पीपल हु डू द राइट थिंग, जो कि सही काम करते हैं। देखें, काम को सही करना और सही काम करने में फर्क है। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ, एलैबोरेट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे भाई आपकी नौकरी लगी, आपको मैनेजर बना दिया, अब आप किसी बैंक की ब्रांच में गए, वहां पे सब कुछ बिगड़ा हुआ था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, तो बीइंग अ मैनेजर आप क्या कर रहे हैं, उस गलत काम को या उसमें जो लूप होल्स थे या उसमें मसले मसाइल थे उनको सही कर रहे हैं। सुबह से शाम तक आपका गलत चीजों को सही करने में जा रहे हैं, तो आप क्या हो गया, मैनेजर हो गए। ठीक है, जबकि लीडर ये नहीं करता, लीडर का काम ये, लीडर क्या करता है, राइट थिंग करता है, राइट थिंग को वो चूज करेगा, पिक करेगा और वो करेगा। तो सामने लिखा हुआ है लीडर्स आर पीपल हु डू द राइट थिंग,
वो गलत काम को करके उसको सही नहीं कर रहा होता, वो चूज ही राइट थिंग करता है। ठीक है, इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन हम आगे देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। देखें जी, ये इंपॉर्टेंट है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के, लीडरशिप करने के 3 स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टाइल अथॉरिटेरियन, दूसरा पार्टिसिपेटिव, तीसरा डेलीगेटिव। हम तीनों को देखेंगे। ठीक है, अथॉरिटेरियन के आगे लिखा है ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव के आगे लिखा है डेमोक्रेटिव, और डेलीगेटिव के आगे लिखा है फ्री रीजन। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इन तीनों स्टाइल्स को। ठीक है, ये चीज नई है हमारे कोर्स में। ठीक है, जो हमने आज से पहले नहीं देखी, तो अब हम एक एक करके इन तीनों को देख रहे हैं। देखिए, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में क्या है। लीडरशिप स्टाइल इज द मैनर एंड अप्रोच बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, इंप्लीमेंटिंग प्लान, मोटिवेटिंग पीपल। यानी ये देखें बेटा, वही सारी बातें आ रही हैं कि लीडरशिप है क्या, डायरेक्शन देना, प्लान्स को इंप्लीमेंट करना, लोगों को मोटिवेट करना। ठीक है, और आगे कहता है कि 3 जो है स्टाइल्स हैं लीडरशिप के, जो पहले पिछले लिखे गए थे, अथॉरिटेरियन, पार्टिसिपेटिव एंड डेलीगेटिव। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने, इसमें देखिए, ऑल्दो मोस्ट लीडर यूज 3 स्टाइल, वन ऑफ देम बिकम्स द डोमिनेंट वन। अब 3 लीडरशिप के स्टाइल्स बुक के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, हमने तीनों पढ़ने क्योंकि बुक में है। ठीक है, और आप देखें कि तीनों की जो है एक तरीके से डायग्राम, जिसको आप वेन डायग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है, एक पिक्टोरियल व्यू या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने। ठीक है, कि जो पहला वाला है, मैं कर्सर लेके आता हूँ, देखें, ये देखें, जो पहला वाला है ये लीडर अलग है, एम्प्लॉय अलग है। दूसरे वाले में लीडर और एम्प्लॉय एक साथ है। तीसरे में लीडर ऊपर गया, एम्प्लॉय नीचे आया। ठीक है, तो ये इसको, इस डायग्राम को मजीद एलैबोरेट हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो अथॉरिटेरियन स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, अब ये है क्या, वन बाय वन अब हम देख रहे हैं। ठीक है, ताकि जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। द लीडर टेल्स हर एम्प्लॉय व्हाट शी वांट्स डन एंड हाउ शी वांट्स इट डन विदाउट गेटिंग द एडवाइस। अथॉरिटी का क्या मतलब है, अथॉरिटेटिव टोन का बेटा क्या मतलब है, क्या बात समझ में आ रही है आपके? अथॉरिटी का मतलब ये है कि आपने हुक्म देना, हुक्म चला दिया कि भाई मुझे ये चाहिए, इतने बजे चाहिए, ऐसे चाहिए, बस सामने वाले की नहीं सुनी। ये होती है अथॉरिटी, अथॉरिटेरियन टोन, अथॉरिटेरियन स्टाइल इसको कहते हैं। ठीक है, आगे से जवाब आया, ठीक है सर, ओके, व्हेन हैव द ऑल इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, आप जो है वो लेट आ गए, आपका असाइनमेंट लेट हो गया एंड ऑल दैट। ठीक है, इज नॉट येलिंग, यूजिंग डीमीनिंग लैंग्वेज और इस तरीके से लेमेंस वाली लैंग्वेज को यूज करना, अब्यूज करना पावर को, पावर का अब्यूज करने का बेटा मतलब ये होता है कि पावर का गलत इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये अथॉरिटेरियन स्टाइल का क्या मतलब है कि अगर लीडर जो है वो अथॉरिटेरियन स्टाइल जो है वो अपनाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें वो लोगों का दिल नहीं जीत सकेगा। वो अथॉरिटी की बात करेगा, आप ये कर लो, आप वो कर लो, मुझे ये असाइनमेंट आज इतने बजे, 5 बजे से पहले पहले चाहिए, लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड अथॉरिटेरियन स्टाइल। अब हम आते हैं सेकंड स्टाइल की तरफ। देखें, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक इन्वॉल्व्स द लीडर इंक्लूडिंग वन और मोर एम्प्लॉयज इन ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे हमारी काबिन है, ठीक है, कि लीडर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में। यानी मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सीईओ ने डिसीजन लेना, सीईओ को क्या होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, मैनेजर नहीं होना चाहिए। मैनेजर तो सीईओ के बेटा नीचे होते हैं, और ये इस वक्त समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने इस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया कि लीडर और मैनेजर में फर्क क्या है, दोनों का रोल क्या है। अगर आपको सीईओ बना दिया जाएगा और आप काम करोगे मैनेजर वाले, तो आप नहीं चल सकोगे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो आपने सीईओ के ऊपर लीडरशिप, अपनी क्वालिटीज दिखानी है। ठीक है, और वो क्या होती है, अब हम वन बाय वन उसकी तीनों टाइप्स को देख रहे हैं कि यार एक लीडर इस तरह का होता है, किस तरह का होता है, एक पार्टिसिपेटिव होता है, एक अथॉरिटेरियन होता है, और एक इस तरह का होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेटिव क्या होता है। नाम से जाहिर है, पार्टिसिपेशन करना, यानी कि आपने कोई भी फैसला करने से पहले अपने स्टेक होल्डर्स को, जो कि आपके ऑब्वियसली एम्प्लॉयज हैं और लोग भी हैं, उनको जमा करना, एक मीटिंग करना, उनकी सुनना, उनके इनपुट लेना। द लीडर मेंटेन्स फाइनल डिसीजन इज मेकिंग अथॉरिटी। लेकिन अगेन वही बात, कि जो फाइनल डिसीजन होता है भाई, वो तो कोई एक ही बंदा ले सकता है ना, जिसको साइनिंग अथॉरिटी कहते हैं। हाँ, इनपुट जरूर लेना, लेकिन डिसीजन एक ही बंदे ने लेना है। Using this style is not a sign of weakness. ये weakness का sign नहीं है, it's a sign of strength. ये बल्कि strength का sign है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप बताएं आपकी क्या राय, तो ये ऐसा नहीं कि एक बंदा weak है इसलिए वो आपकी राय पूछ रहा है, ये तो आपको respect दे रहा है, आपका input ले रहा है। ठीक है, normally used when you have some of the information, your employees have some of the information. यानी प्लस का साइन इसलिए लगा हुआ है कि अगर आपके एम्प्लॉयज के पास हो सकता है कोई नई इन्फॉर्मेशन हो, आपके पास नई इन्फॉर्मेशन हो, तो इसका तरीकेकार ये है कि आए मिल बांट के बैठते हैं, बात करते हैं और मीटिंग करते हैं और सबके इनपुट लेके फिर कलेक्टिव फैसला करते हैं। दिस अलाउज देम टू बिकम पार्ट ऑफ द टीम एंड अलाउज यू टू मेक अ बेटर डिसीजन। ऑब्वियसली वो टीम का पार्ट होते हैं, टीम को हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में या लेक्चर में, ठीक है, क्या होती है टीम, और इस तरीके से बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। आखिरी जो स्टाइल है वो डेलीगेटिव है। ठीक है, नोट आल्सो नोज
एज अ लेजीज इज फियर और लेजीज है फियर विच इज नॉन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स. ये फ्रेंच एक वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आगे लिखी हुई है, ठीक है. डेलीगेटिव, सबसे पहले मैं इसको आसान लफ्जों में समझा दूं कि डेलीगेशन कहते किसको. देखो डेलीगेट करना, मैंने ये बात शायद पहले भी वीडियो में कही थी, आप सुन लेना, कि अथॉरिटी को हमेशा अच्छे लोग डेलीगेट करते हैं, यानी एम्पावर करना, कि आप ऊपर हो, आपने नीचे अपने एम्प्लॉयज को एक, जिसे कहते हैं कि एम्पावर करना, बहुत से लोग इसको कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी दे देना, कि यार मैंने आपको पावर दे दी, ये लो आप अथॉरिटी, आपको डेलीगेट करता हूं मैं, ठीक है. तो ऊपर से नीचे अथॉरिटी को ट्रांसफर करना, इसको डेलीगेट करना कहते हैं. द लीडर अलाउज एम्प्लॉय टू मेक द डिसीजन. देखो वही बात पहले पॉइंट पे लिखी है कि लीडर एम्प्लॉय को अलाउ करता है कि तुम डिसीजन लो. द लीडर इज स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन डेट आर मेड. लेकिन जारी बात है, जिम्मेदारी तो आती है लीडर के ऊपर भी. This is used when employees are able to analyze the situation, determine what needs to be done and how to do it. देखो ये बात ध्यान में रखो कि जो employee जिस situation में है और उससे जितना ज्यादा close है वो सही उसके pros and cons को जानता है, ठीक है, और वो सही decision ले सकता है. Leader तो एक ऊपर बैठा हुआ, उसको नहीं पता कि ground reality है क्या, grassroot level पे इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है. तो this is used when employees are able to analyze the situation. के एम्प्लॉय जो है वो सिचुएशन को एनालाइज करने के एबल होता है, ठीक है, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, ठीक है. यू मस्ट सेट प्रायोरिटीज एंड डेलीगेट सर्टेन टास्क. आपको प्रायोरिटीज भी सेट करनी है और कुछ चीजों को डेलीगेट करना है, यानी कि सारे के सारे फैसले आपने नहीं करने, कुछ फैसला आपने नीचे लोगों पे, अपने एम्प्लॉयज पे, अपने मैनेजर पे, अपने सब ऑर्डिनेट्स पे भी ट्रांसफर करने. तो दिस इज अथॉरिटी डेलीगेशन. अब जो स्लाइड है, अ गुड लीडर यूजेस ऑल द थ्री स्टाइल. अब आपका सवाल ये होगा कि सर कौन सा स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना चाहिए. तो इसका जो सबसे पहला जवाब है वो ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर अलग होता है, तो आपको उन तीन में से डिसाइड करना पड़ेगा. लेकिन जनरली स्पीकिंग के गुड लीडर जो है वो तकरीबन तीनों ही स्टाइल को वक्तन फावक्तन यूज करता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड बिटवीन द फॉलोअर्स, लीडर एंड द सिचुएशन. अगेन वही बात आ रही है जो मैंने आपसे कही है कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें कौन सी फोर्सेज हैं, आपके कोई उसमें सिचुएशन क्या है, आपके स्टेक होल्डर कैसे हैं, आपके शेयर होल्डर कैसे हैं, आपके एम्प्लॉयज कैसे हैं, मतलब डिफरेंट चीजों को मवाजना करते हुए, उनका जायजा लेते हुए आपने कौन सा स्टाइल लीडरशिप का यूज करना है, ठीक है, वो आपने खुद फैसला करना होगा, ठीक है जी. और वैसे एक जनरली स्पीकिंग एक लीडर जो वो तीनों स्टाइल को यूज करता है, क्योंकि आज के चैप्टर में वीडियो में हम लीडरशिप को डिस्कस कर रहे हैं और इसके तीन स्टाइल्स जो बुक के अंदर लिखे गए हैं वो हम देख रहे हैं कि लीडरशिप की फर्दर थ्री कैटेगरीज हैं जो फर्स्ट टाइम आपको इस वीडियो में बताई जा रही है. क्लास में चीज डिस्कस नहीं हुई, आज फर्स्ट टाइम आपको ये चीज बताई जा रही है, तो इसको जरा देख लें अच्छे से, ठीक है. सम एग्जांपल्स इंक्लूड यूज एन अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑन अ न्यू एम्प्लॉय हु इज जस्ट लर्निंग द जॉब. अब अगर एक नया एम्प्लॉय बेटा जो अभी जस्ट काम करना सीख रहा है, जॉब को लर्न कर रहा है, आपने उसको अथॉरिटेरियन स्टाइल किया, ठीक है, यूज किया, तो वो मुनासिब रवैया नहीं रहता कि एक बंदा नया है, उसको थोड़ा सा सेट होने में ऑब्वियसली टाइम चाहिए होगा. The leader is competent and a good coach. Coaching के ऊपर क्लास में बात हुई है, मैं कहूंगा कि कोचिंग को मैंने ये जब यूनिवर्सिटी चल रही थी हमारी तो क्लास में डिस्कस किया था और हमने फर्क भी बताया था कोचिंग का और ये सारी चीजों का. तो लीडर जो है कॉम्पिटेंट भी होता है और एक गुड कोच भी होता है, इवन के मैंने ये तक बोला था कि वो अच्छा मेंटर भी होता है, ठीक है. द एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड टू लर्न द न्यू स्किल. एम्प्लॉय को मोटिवेशन देता है एक नई स्किल. द सिचुएशन इज अ न्यू एनवायरमेंट फॉर द एम्प्लॉय, ठीक है. अगर कोई एम्प्लॉय आता है तो ऑब्वियसली वो कंपनी, वो सिचुएशन उसके लिए एक नया एनवायरमेंट है. अगेन वही उसी स्लाइड की कंटिन्यूएशन है. सम एग्जांपल्स इंक्लूड यूजिंग अ पार्टिसिपेटिव स्टाइल विद द टीम ऑफ वर्कर्स हु नो देयर जॉब. देखिए पार्टिसिपेटिव स्टाइल कहाँ यूज करना है, सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया कि हमने, मैं पिछली स्लाइड पे दोबारा जाता हूँ कि अथॉरिटेरियन स्टाइल कहाँ यूज किया. एक बंदा नया आया है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो आप उससे क्या इनपुट लेंगे, नहीं ले सकते ना. तो इधर तो अथॉरिटेरियन स्टाइल ही चाहिए, ठीक है. आप उसे क्या फैसला करवाएंगे, आप उसे क्या मदद लेंगे, जब उसको कुछ मालूम ही नहीं है तो इट इज टोटली इररेलेवेंट कि आप उससे कुछ पूछेंगे, भाई तुम बताओ अपना इनपुट दो, वो तो खुद अभी नहीं आया है. तो इधर तो अथॉरिटेरियन स्टाइल चल जाएगा, ठीक है. अब आगे चलें, यहाँ देखें पार्टिसिपेटिव लिखा हुआ है. पार्टिसिपेटिव स्टाइल क्या है, विद अ टीम ऑफ वर्कर्स हु नो देयर जॉब. पार्टिसिपेटिव स्टाइल यानी कि लोगों को पार्टिसिपेट करना हमेशा उन लोगों से किया जाता है जो कि अपने काम को जानते हैं, जिनको कुछ एक्सपीरियंस है, ताकि वो आपको उस बेस पे इनपुट देना और सही इनपुट दें. द लीडर्स नो द प्रॉब्लम वेल. आप लीडर जो होता है वो प्रॉब्लम को अच्छी तरह जानते हैं, बट ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ टीम. फिर वो टीम को क्रिएट करता है वेयर एम्प्लॉयज टेक ऑनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट, जहां पे एम्प्लॉय जो है ऑनरशिप लेते हैं प्रोजेक्ट की, ठीक है. कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोजेक्ट की टीम में क्या होता है कि हर बंदा ओन करता है अपने काम को. ग्रुप में ये नहीं होता, ग्रुप में एक दूसरे के ऊपर टोपियां डल्ली होती हैं, ठीक है, क्या तुम कर लो ना, तुम कर लेना, ये हम देखते हैं अपने रियल लाइफ में. लेकिन टीम में बेटा ऐसा नहीं होता. टीम में क्या होता है, टीम में जो है वो बेसिकली
ऑनरशिप होती है, प्रोजेक्ट की ऑनरशिप होती है, तमाम जो है वो एम्प्लॉयज या टीम मेंबर्स जो है वो ओन करते हैं, मोटिवेशन होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द एम्प्लॉयज नो देयर जॉब एंड वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ द टीम, एम्प्लॉय अपने काम को जानता है और उसका पार्ट भी बनना चाहता है। तो ये फर्क आपको अभी क्लियर हुआ कि अथॉरिटेटिव और पार्टिसिपेटिव कहाँ यूज करना है। अगर एम्प्लॉय नए आए, मिसाल के तौर पर 10 नए लोगों की हायरिंग हुई है, आप उसमें पार्टिसिपेटिव स्टाइल तो यूज नहीं कर सकते ना, कैसे पार्टिसिपेट कराएंगे, उनको खुद कुछ नहीं मालूम, अभी उनकी ऑरियंटेशन हुई है, वो कैसे आपको बता देंगे, तो उधर तो अथॉरिटेरियन चल जाएगा। लेकिन अगर कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, उधर हाँ पार्टिसिपेटिव स्टाइल आपका यूज हो जाएगा, क्योंकि आप उनको बिठाएंगे, आप उनसे उनका इनपुट लेंगे, ठीक है, सही है, एक मीटिंग करेंगे उनके साथ, तो उधर पार्टिसिपेटिव सही रहेगा। अब आते हैं डेलीगेटिव स्टाइल पे, कि कहाँ पे आपको डेलीगेटिव स्टाइल यूज करना है। विद अ वर्कर हु नोज मोर अबाउट द जॉब देन यू। डेलीगेटिव क्या है? डेलीगेटिव का मतलब आप अथॉरिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, ऊपर से नीचे अथॉरिटी क्या हो रही है, डेलीगेट हो रही है, आ रही है, ट्रांसफर हो रही है। जाहिर बात है ये काम आप सिर्फ उसी बंदे को देंगे या करेंगे जो कि आपसे अच्छी तरह जॉब करना जानता हो, जो एक्सपीरियंसड हो, जिसको काम का पता हो। जाहिर बात है किसी अनाड़ी को तो नहीं देंगे, वो उल्टा काम खराब कर दे, जो एक्सपीरियंसड हो, कई अरसे से काम कर रहा हो, जिसको सारे प्रोज एंड कॉन्स का पता हो, ग्राउंड रियलिटी से वो नजदीक हो, ग्रास रूट लेवल पे चीजों को जानता हो, ठीक है, तो उसको दिया जाता है। तो द एम्प्लॉय नीड्स टू टेक ऑनरशिप ऑफ हर जॉब। लेकिन इस सूरत में अगेन वही बात आ रही है, बार बार आ रही है कि ऑनरशिप अपनी जॉब की लेनी है। ऑल्सो द सिचुएशन माइट कॉल फॉर यू टू बी एट अदर प्लेसेस डूइंग अदर थिंग्स, ठीक है, सिचुएशन के लिहाज से फिर आपको कॉल किया जा सकता है कि आपने क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। मैं इनको फिर कंक्लूड कर रहा हूँ तीनों स्टाइल्स को, कि कहाँ पे कौन कौन सा स्टाइल यूज करना है। सबसे पहले अगर 10 नए लोग कंपनी में हायर हुए हैं, उधर अथॉरिटेरियन स्टाइल ही चलेगा, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, अभी वो फ्रेश हैं, उधर आप उनको पार्टिसिपेटिव स्टाइल में नहीं लेके आ सकते। हाँ, अगर पार्टिसिपेटिव स्टाइल आपने यूज करना है तो उसमें सिर्फ वो लोग आएंगे जो कि कंपनी में कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं, इनको जिनको टाइम हो गया है, ठीक है, जिनको काम आता है, जिनका इनपुट लेना चाहिए। आप हर किसी को बिठा के अरे गहरे का तो इनपुट नहीं लोगे ना, उसकी प्रोफाइल और उसकी क्रेडेंशियल्स देखोगे कि यार इसकी ये प्रोफाइल है और ये जो है काम आता है इसको, ये कंपनी में इतने अरसे से है और ये अच्छा इनपुट देता है, तो मैं इसका इनपुट लूँ, ठीक है, तो उधर पार्टिसिपेटिव स्टाइल चल जाएगा। डेलीगेटिव, डेलीगेटिव का मतलब तो है कि आपने टोटली एक तरीके से अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी, तो इधर तो बंदा और भी ज्यादा फिट होना चाहिए, यानी कि उसको काम भी आता हो, वो एक्सपीरियंस भी हो, वो ऑनरशिप भी लेता हो, वो कुछ ऐसा कोई अनाड़ी बंदा ना हो कि आप ने उठा के किसी अनाड़ी बंदे को अथॉरिटी डेलीगेट कर दी बेटा और उसने काम खराब कर दिया। तो ये जो तीनों अप्रोचेज हैं लीडरशिप की, बताने का मकसद ये है और इनकी एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि यहाँ पे देख के इनको यूज करना है कि मैंने कौन सा स्टाइल लीडरशिप का कब यूज करना है। अब पता ये लगा कि आपको लीडरशिप सिखा दी, आपने बोला क्या, सर ने तो कहा था कि सबके इनपुट लेने चाहिए, आप पहुंच गए उन लोगों से भी इनपुट लेने जो जिनको खुद कुछ नहीं आता, जिनको खुद कुछ नहीं पता या वो नए, तो वो बेकार है, वो उल्टा नेगेटिव रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सीखना कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, तो अप्लाई करने का सीखो। मजीद आगे चलते हैं। फोर्सेज डेट इन्फ्लुएंस द स्टाइल टू बी यूज्ड इंक्लूडेड अ नंबर ऑफ थिंग्स सच एज हाउ मच टाइम इज अवेलेबल। फिर ये भी देखो कंस्ट्रेंट्स बता रहा है इस स्लाइड में कि कितना टाइम है आपके पास, आर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, रिस्पेक्ट की बेस पे रिलेशनशिप है, और ये सारी चीजें नीचे लिखी हुई है, आपके एम्प्लॉयज कितने ट्रेन है, उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, जॉब की टाइप क्या है, टास्क क्या है, टाइप ऑफ टास्क यानी कि जॉब की टाइप क्या है, लॉस और एस्टेब्लिश प्रोसीजर सच एज ट्रेनिंग प्लान यानी कि लॉस क्या है या एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद हम आगे चलते हैं लीडर्स के ऊपर, के दो किस्म के लीडर्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। अब देखते हैं कि पॉजिटिव लीडर्स कौन से होते हैं। सामने आपके लिखा है कि पॉजिटिव लीडर्स जो हैं, देयर इज आल्सो डिफरेंस इन वे लीडर्स अप्रोच देयर एम्प्लॉयज। मजीद डेप्थ में जाएं तो हमें मिलते हैं कि कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, क्योंकि लीडर्स जो एम्प्लॉयज को अप्रोच करते हैं वो कई डिफरेंट तरीकों से करते हैं। कुछ लीडर पॉजिटिव लीडर होते हैं जो कि रिवॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एजुकेशन, इंडिपेंडेंस, मोटिवेट करना, यानी जितनी भी बेटा पॉजिटिव चीजें उनका इस्तेमाल करेंगे तो वो पॉजिटिव लीडर हो गए। पॉजिटिव चीजें क्या है, रिवॉर्ड, ठीक है, रिवॉर्ड को डिस्कस किया था, भाई कोई इनाम मिसाल के तौर पर बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, कोई बोनस अनाउंस कर दिया, ठीक है, कोई आपने उसको बोनस किया, कोई फाइनेंशियल आपने कोई इंसेंटिव अनाउंस कर दिया, ठीक है, क्या या कोई सर्टिफिकेट अनाउंस कर दिया, या अगर जैसे अक्सर होता है कि सेल्स या मार्केटिंग एंड सेल्स में अगर आप बात करें तो अगर सेल्स ज्यादा होती है तो आपको जो है वो एम्प्लॉय को एक रिवॉर्ड दिया जाता है, सेल्स का रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है, तो वो हो गया, ठीक है, तो ये हो गए रिवॉर्ड्स, ठीक है। एजुकेशन एक हो सकता है, मोटिवेशन हो सकती है, एनकरेज करना लोगों को, यानी ये पॉजिटिव जितनी चीजें उनको यूज करने वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लीडर हो जाएगा। अब आते हैं नेगेटिव लीडर के ऊपर। द एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन पेनाल्टीज। ये क्या करते हैं,
जुर्माना, पेनाल्टीज, ये नेगेटिव लीडर वो लोग होते हैं जो कि नेगेटिव चीजों से काम लेना जानते हैं। मिसाल के तौर पे यार, अगर कोई छुट्टी करेगा तो उसकी तनख्वाह कट जाएगी, तो अब ये नेगेटिव लीडरशिप आ रही है। कोई असाइनमेंट लेट कराएगा तो उसको पेनालाइज किया जाएगा, उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे वगैरह वगैरह, तो ये पेनाल्टी आ गई। ऑल्दो इट हैज इट्स प्लेस इन लीडर्स रेपरेटरी ऑफ टूल्स, इट शुड बी यूज केयरफुली ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। ठीक है, इससे लोगों की स्पिरिट कम हो जाती है। ऑब्वियसली बेटा, मोटिवेशन कभी भी नेगेटिव चीजों से नहीं आती। ठीक है, तो ये नेगेटिव लीडर्स का एलिमेंट कम आप देखेंगे, ज्यादातर लीडर्स का पॉजिटिविटी की साइड आप देखेंगे। ठीक है, नेगेटिव लीडर्स में क्या होता है, एक्ट डोमिनेटिंग एंड सुपीरियर विद पीपल, के वो समझता है कि मैं लोगों से ऊपर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। ठीक है, और दे बिलीव देयर अथॉरिटी इज इंक्रीज बाय फिटिंग एवरीवन, और वो ये समझते हैं, मतलब उनका नेगेटिव माइंडसेट होता है, वो समझते हैं कि यार मैं किसी की टांग खींच के खुद ऊपर जा सकता हूँ, या उनके जहन में होता है कि मेरी जो अथॉरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर मैं लोगों से क्या नाम है उनको सप्रेस करूंगा, तो मैं कुछ आला दर्जे का इंसान बन जाऊंगा या मेरी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। तो ये वाले जो हैं, जितना भी है, ये सब कुछ ये नेगेटिव लीडरशिप में आता है। अ लीडर इज नॉट स्ट्रिक्टली वन और अनदर, समवेयर ऑन अ कॉन्टिनम रेंजिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली पॉजिटिव लीडर्स हु कंटिन्यूसली वर्क आउट फॉर नेगेटिव आर बॉसेस। इसका खुलासा ये है, इस राइट का ये कुछ टिप्स हैं कि जो लीडर्स जो हैं वो हर वक्त नेगेटिव लीडरशिप एलिमेंट को यूज करते हैं, वाइल दोज हु प्राइमरीली वर्क आउट ऑफ द पॉजिटिव आर रियल लीडर्स, वो इतने कामयाब नहीं होते। जो पॉजिटिव लीडरशिप का एलिमेंट देखते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। ठीक है जी, मजीद आगे चलते हैं बेटा इस लीडरशिप के चैप्टर में, तो हमें मिलेगा द प्रोसेस ऑफ ग्रेट लीडरशिप, द रोड टू ग्रेट लीडरशिप। ठीक है, ये देखें, ये मैं कर्सर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ ग्रेट लीडरशिप, द रोड टू ग्रेट लीडरशिप, या ऑथर का नाम है, दैट इज कॉमन टू सक्सेसफुल लीडर। हर इस स्लाइड्स में जितनी भी मैंने आपको बेटा स्लाइड्स दी हैं, वीडियोस दी हैं, उसमें जो भी सेइंग है हर जगह रेफरेंस कोट किया जा रहा है कि किसने कहा, किस ईयर में कहा, कहाँ से चीज ली गई, बुक में चीजें मौजूद हैं, काइंडली बुक जरूर पढ़ें जाके। हर चीज का हर जगह पे आपको रेफरेंस दिया जा रहा है, जो जो डेफिनेशंस आपके सामने रखी गई हैं वो ऑथेंटिक है और रेफरेंस के साथ रखी गई हैं कि ये बात इस बंदे ने कही है। अब देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रेट लीडरशिप, के लीडरशिप का प्रोसेस स्टार्ट होने से लेके आखिर तक कैसा होता है, शुरू से देखते हैं। चैलेंज द प्रोसेस, फर्स्ट फाइंड अ प्रोसेस दैट यू बिलीव नीड्स टू बी इम्प्रूव द मोस्ट। सबसे पहले बेटा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है कि प्रॉब्लम है क्या, फाइंड अ प्रोसेस यू बिलीव दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव, या कोई प्रोसेस जिसको आप समझते हैं कि यार आपको इम्प्रूव करना है, सबसे पहले वहां से। इंस्पायर अ शेयर्ड विजन, फिर एक विजन क्रिएट करना, इस पर बात हो चुकी है क्लास में, सबसे पहले क्या आता है, विजन आता है, देखो आ गया विजन। नेक्स्ट, शेयर यू विजन इन वर्ड्स दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोवर्स, हमेशा लीडर के क्या होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, लीडर के क्या होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं। अब आपने विजन को शेयर करना है, ठीक है, और अपने फॉलोअर्स तक उसको ट्रांसफर करना, उनको समझाना है कि यार हमारा विजन है क्या। इनेबल अदर्स टू एक्ट, फिर दूसरों को जो है इनेबल करना ताकि वो उस पर परफॉर्म करें या एक्ट करें। चौथे नंबर पे मॉडल द वे, एक लाहे अमल तय करना, स्ट्रेटेजी तय करना, वही जो बात हुई थी, स्ट्रेटेजी, गोल, ऑब्जेक्टिव्स, टैक्टिक्स, वो तय करना, वो सारा इसके अंदर आ जाता है जो मैंने क्लास में पायरामिड बनवाया था। ठीक है, व्हेन द प्रोसेस गेट्स टफ, गेट योर हैंड्स डर्टी, अब बॉस टेल्स अस व्हाट टू डू, अ लीडर शुड दैट इट कैन बी डन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप किसी इक्विपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और आपका जो टेक्नीशियन है, जारी बात है जब इक्विपमेंट पे काम किया जाता है, किसी लाइक टेलीकॉम का इक्विपमेंट है तो आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें वायरिंग वगैरह से हार्ट डर्टी हो जाते हैं। ठीक है, अब लीडर क्या, लीडर ये है कि खुद अब उसके साथ लग के काम करे और खुद उसको दिखाए। बाज़ औक़ात जब, अब इससे होगा क्या, गौर से समझना जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जब लीडर वो तारें खुद अपने हाथ में लेगा, या बॉस या जो भी उसका बड़ा है, ठीक है, खुद तारें लेगा, खुद करने की कोशिश करेगा, तो उसका जो टेक्नीशियन है वो खुद ऑटोमेटिकली शर्मिंदा हो जाएगा, बोल के सर आप कहाँ कर रहे हैं, ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, कि इसको अब अप्लाई कैसे करना है, आप जब कल को जॉब करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो ये तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब पढ़ के भूलना नहीं है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देख लें, सर आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो टेक्नीशियन खुद शर्मिंदा होगा, वो कहेगा लाए सर ये मैं कर देता हूँ, ये तो मेरा काम है, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने, लीडर ने क्या किया कि हैंड इन हैंड लग के काम करवाया, ये नहीं कि बैठ के ऊपर से ऑर्डर दे दिया। मेरी बात समझने की कोशिश करो, एक छोटी सी मिसाल थी, इसके अलावा और भी कई मिसाल है कि बॉस क्या करता है, टेल करता है, लीडर टेल नहीं करता, लीडर शो करता है कि यार ये इस तरीके से हो सकता है, पहले खुद करके दिखाता है फिर लोगों को मोटिवेट करता है, ये फर्क है। आखिर में देखते हैं, एनकरेज दी आर शेयर द ग्लोरी विद योर फॉलोअर्स आर्ट वाइल कीपिंग द पेन्स विद इन योर ओन। देखो, हमेशा अच्छी बात अपने फॉलोअर्स से शेयर करो और खुद जो है वो पेन लो। हमेशा लीडर क्या होता है, खुद पेन लेता है, जैसे फौज में होता है बॉर्डर पे पहली गोली क्या होता है,
कमांडर कर्नल जो भी होता है खुद अपने सीने पे लेता है, अपने जो फौजी होते हैं उनको नहीं करता, तो हमेशा लीडरशिप का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेसेस आपके सामने लिखे हुए हैं जिनसे गुजरते हुए एक लीडरशिप बनती है। ये एक ब्लॉक डायग्राम आ रही है, ये भी अच्छी है, ब्लॉक डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कर्सर ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप देखें डिटरमिनेंट्स ऑफ टीम इफेक्टिवनेस, ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है, इसका सोर्स आपके सामने लिखा हुआ है। और ये देखें, अगर आप ये देखें मेंबर्स टीम स्ट्रक्चर टास्क एनवायरनमेंट, तो हमारी इन पे बात हो चुकी है, टीम्स के ऊपर पूरा लेक्चर आपको दिया है। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाली हुई है, ठीक है, उसमें ऊपर टीम का साइज वगैरह के ऊपर भी मैंने बात की है। अब जितना भी हमने पढ़ा है, जैसे टीम्स को पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ठीक है, आप देखें कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि टीम एक बड़ा एसेंशियल एलिमेंट है लीडरशिप, और वही बात आ गई यहाँ पे, टीम स्ट्रक्चर। अगर टीम का स्ट्रक्चर ही सही नहीं होगा तो आप लीडरशिप परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप देखें, अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मेंबर्स, अब मेंबर्स की पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स, नीड्स ऑफ मेंबर, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन, स्पेशलिस्ट नॉलेज के भाई जो मेंबर्स हैं उसकी क्या पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक है। तो पूरा एक चैप्टर आपको याद होगा, जब जूम पे हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो हमने पर्सनैलिटी के ऊपर पूरा एक चैप्टर लगाया था, उसमें कितनी डेप्थ थी। ठीक है, तो पूरा वो पर्सनैलिटी का चैप्टर कहाँ कवर हो गया, यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, ये मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखें पूरा वो चैप्टर यहाँ कवर हो गया, उसकी सारी बातें यहाँ आ रही है। नीड्स ऑफ मेंबर, एटीट्यूड्स, आपको याद होगा हमने एटीट्यूड्स के ऊपर भी पढ़ा था नॉलेज के क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद टीम, टीम के ऊपर वीडियो मौजूद है। टीम का अगर आप देखें तो ये कर्सर यहाँ पे आप देखें कि टीम के ऊपर भी हमने पूरा अपना पढ़ा था कि किस तरीके से टीम कंपोज की जाती है। उसमें जो है वो टीम कंपोजिशन के अंदर हमारे पास किस बेसिस के ऊपर, डेमोग्राफिक्स की बेसिस के ऊपर टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम का हमने जिक्र किया था, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं या डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनको मिला दो तो वो क्रॉस फंक्शनल टीम कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से टीम का साइज क्या होना चाहिए, 8 से 12 या 10 लोग होने चाहिए। इसी तरीके से टीम में लीडरशिप का एलिमेंट और ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आगे देखें टास्क आ रहा है, टास्क टाइप ऑफ टास्क, टास्क क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के वो कितना डिफिकल्ट है, फिर टीम ऑब्जेक्टिव्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस टीम के। ठीक है, फिर उसमें रिस्ट्रिक्शंस यानी टाइम कंस्ट्रेंट्स वगैरह आ जाते हैं। आखिर में देखें एनवायरनमेंट आ रहा है यानी वर्किंग एनवायरनमेंट, कि यार अब कुछ जगहों का वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जहां आपकी कोई एप्रिसिएशन नहीं होती, हमेशा गलत बात पे आपको सुनाई तो जाती है लेकिन आपको अच्छी बात पे कभी मोटिवेट या अप्रिशिएट नहीं किया जाता। कुछ जगहों का एनवायरनमेंट बड़ा अप्रिशिएटिंग होता है, ठीक है, रिवॉर्ड बेस्ड होता है, नीचे लिखा हुआ है रिवॉर्ड पैटर्न, ठीक है, और आपका वर्किंग एनवायरनमेंट या आपके ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट बड़ा एम करता है। आखिर में बताना ये वो चाह रहा है कि अगर आप देखें कि ये सारे आप एरो देखें यहाँ जो है कर्सर पे, ये सारी की सारी चीजें जो हमने आज से पहले पढ़ी, पूरा एक चैप्टर हमने पर्सनालिटी पे लगाया, पूरा एक चैप्टर हमने टीम पे लगाया, टास्क को एनवायरनमेंट पे लगाया, और आखिर में ये सारी चीजें मिलके कहाँ आ रही है, इंटरवीनिंग वेरिएबल, यानी ये चीजें मिलके क्या बनाती है, मैनेजमेंट का स्टाइल, के मैनेजमेंट किस तरह की है। फिर आगे देखें लिखा हुआ है जॉब मोटिवेशन ऑफ टीम मेंबर्स, कोहिजन का मतलब आपस में कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, टीम मेंबर टीम स्पिरिट बनाती है। अब आप मुझे खुद बताएं अगर इनमें से कोई भी एक चीज सही काम नहीं कर रही, जैसे कि टीम सही काम नहीं कर रही, या यहाँ देखें कर्सर मेंबर सही काम नहीं कर रहे या टास्क, तो इन वेरिएबल्स पे असर डेफिनेटली पड़ेगा। ये हो गए इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। तो इस स्लाइड को बताने का जो मकसद है बेटा वो ये है कि ये जितनी भी चार जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये सारे आपस में मिलते हैं तो फिर इंटरवीनिंग वेरिएबल्स बनते हैं, और इन बॉक्सेस के अलग अलग चैप्टर्स में को हमने अलग अलग पढ़ा है। ठीक है, आखिर में सबसे आखिर में आ जाएं, ये देखें एरो है, ये इंटरवीनिंग वेरिएबल से जा रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि रिजल्ट्स हैं। अब क्या है रिजल्ट, क्या सामने, अगर ये चीजें ऊपर की सारी सही है तो टीम इफेक्टिवनेस यानी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा टीम मेंबर्स का। तो ये सारी चीजें मैं फिर कर्सर ऊपर लेके जा रहा हूँ कि ऊपर से यहाँ से लेके नीचे तक किस तरीके से असरअंदाज होती हैं ये आप देख। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छी डायग्राम है जिसने एक तरीके से कंक्लूड कर दिया, हमने जितना भी पढ़ा है जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे सर उन तमाम चैप्टर्स को आपस में इंटीग्रेट कर लें या मिला लें तो वो किस तरीके से लीडरशिप को अफेक्ट करेंगे या टीम को अफेक्ट करेंगे और फाइनली फिर परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और ये वगैरह वगैरह इन सारी चीजों को वो अफेक्ट करेंगे, वो अच्छी होंगी बेहतर से बेहतर। ये स्लाइड भी अच्छी है, हेल्दी ग्रुप, एक हेल्दी ग्रुप में क्या होना चाहिए, हाई इन्फॉर्मेशन प्लस डाटा फ्लो यानी फीडबैक, यानी कि इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, डाटा फ्लो यानी कि डाटा फ्लो से मुराद मैंने कोई अनाउंसमेंट किया, वॉइस नोट भेजा,
व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब ये डाटा फ्लो करवाना जो है वो आपका सीआर का ग्रुप का काम है कि उसको कितनी जल्दी वो फ्लो करवा दे कि सारे स्टूडेंट्स उसको सुन लें। जबकि सिख ग्रुप में क्या होता है, डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन होती है, यानी कि कम्युनिकेशन सही मायनों में नहीं पहुंची। अब मैं टीचर ने को अनाउंसमेंट की, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं, सो रहे हैं वो, या कम्युनिकेशन गैप है, या वो व्हाट्सएप पे अलर्ट नहीं है, या वो यूट्यूब चैनल सही से नहीं देख रहे, अब उसके ऊपर स्लाइड्स आ रही है या वीडियोज आ रही है, उनको पता ही नहीं कि आ रही है क्योंकि वो चेक ही नहीं कर रहे। उसके बाद हेल्दी ग्रुप में हाई ट्रस्ट लेवल है, ठीक है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, ओपननेस है, ठीक है। इधर क्या है, खामा खामे फियर है, डिस्ट्रस्ट है। हेल्दी ग्रुप में ट्रस्ट लेवल होता है बड़ा, ठीक है, कोई फियर नहीं होता, जबकि सिख ग्रुप में क्या होता है, फियर है। इसी तरीके से हेल्दी ग्रुप में फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, उधर फीलिंग्स को नहीं किया जाता। हेल्दी ग्रुप में देखें बहुत अच्छी चीज आ रही है, फिर कर्सर यहाँ मैं लेके जा रहा हूँ कि क्लियर लीडरशिप। हेल्दी ग्रुप में क्लियर लीडरशिप है, इधर क्या फीलिंग्स आर डिनाइड, सिख ग्रुप में डिनाइड नहीं है। इसी तरीके से आइडेंट ग्रुप की आइडेंटिटी, मेंबर्स की सपोर्टिवनेस, मेंबर्स की अवेयरनेस, ओपन एंड जेन्युइन इंडिपेंडेंटनेस, ये सारी के सारे ये देखें हेल्दी ग्रुप का जो है वो हिस्सा है, ठीक है। और जबकि ये आ गया कर्सर, ये सारे के सारे देखें ये हेल्दी ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सेप्टेड सिस्टम, यानी हेल्दी ग्रुप में जो वो म्यूचुअली एक्सेप्टेड सिस्टम होता है, सबका इनपुट लिया जाता है, सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। जबकि सिख ग्रुप में देखें क्या होता है, स्ट्रगल फॉर लीडरशिप, लीडरशिप सही से नहीं बन पाती, इंडिविजुअल व्यूज आर नॉट एक्सेप्टेड, हर किसी के व्यूज को नहीं सुना जाता, अनक्लियर आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप, ग्रुप होता है, यहाँ देखें टीम का वर्ड यूज हो रहा है और इधर ग्रुप का यूज हो रहा है, कि इधर ग्रुप ही अनक्लियर होता है क्या करना है, मेंबर्स में आपस में झगड़े होते हैं, रेजिस्टेंस दिखाई जाती है। तो ये एक तरीके से इन शॉर्ट कंपैरिजन बताया गया एक हेल्दी ग्रुप का और एक सिख ग्रुप का। अगेन बहुत अच्छी स्लाइड आ गई है और ये अब ग्राफ के जरिए आपको बताया जा रहा है लीडरशिप का। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, ये आप देखें कि कर्सर देखें, ये सिचुएशन लीडरशिप है और इसके जो एक्स एक्सिस है वो डायरेक्टिव बिहेवियर है और वाई एक्सिस के ऊपर सपोर्टिव बिहेवियर है, ठीक है। डायरेक्टेड का मतलब ये कि आपने डायरेक्शन देनी है, सपोर्टिव का मतलब ये कि आपने सपोर्ट करना है, हेल्प आउट करना है, ऊपर जाते जाएं तो हाई हो रहा है और यहाँ जाते जाएं तो हाई हो रहा है, और अगर इस तरफ आ जाए ओरिजिन पे तो लो हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस ग्राफ को समझ लें, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ है सबसे पहले, मैं कर्सर एक मिनट ये लेके आता हूँ, डेलीगेटिंग, ठीक है, बल्कि यहाँ से डायरेक्टिंग एरो का निशान बना हुआ है, ठीक है, ये D1 से D2 गया तो कोचिंग की बात हो चुकी है कि आपने कोच करना है, ठीक है, आपने हेल्प आउट करना है लोगों को, ठीक है, क्या चीज होती है, जैसे स्पोर्ट्स में कोचिंग होती है। मजीद आप जाएं तो D3 के ऊपर गया, ये सबसे हाई लेवल है सपोर्टिंग। इधर देखें यहाँ क्या लिखा है, हाई सपोर्टिव एंड लो डायरेक्टिव बिहेवियर। इधर आपने सपोर्ट ज्यादा करना है, डायरेक्शन कम देनी है। इधर हाई डायरेक्टिव एंड हाई सपोर्टिव बिहेवियर, यानी कोचिंग जो है, या ये देखें कोचिंग जो लिखा है, हाई डायरेक्टिव और हाई सपोर्टिव बिहेवियर में आएगा, यानी डायरेक्ट भी करना है और सपोर्ट भी ज्यादा देनी है। किसमें, कोचिंग में, सपोर्टिंग में हाई सपोर्ट करना है लेकिन डायरेक्शन कम देनी है। नीचे आ जाए डेलीगेटिंग, इसमें सपोर्ट कम करना है और डायरेक्शन भी कम देनी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ देखें डायरेक्टिंग में, नाम से जाहिर है डायरेक्टिंग में हाई डायरेक्टिव है और हाई सपोर्टिव है, ठीक है, तो डायरेक्टिंग हो गई S1। अब S1 से मजीद ऊपर गए S2, ठीक है, तो हाई डायरेक्टिव आ गया, हाई सपोर्टिव आ गया, यानी कोचिंग और डायरेक्टिंग में आपने डायरेक्ट भी ज्यादा करना है और सपोर्ट भी ज्यादा करना है। अब सपोर्टिंग पे आ जाएं और डेलीगेटिंग पे आ जाएं, तो सपोर्टिव में आप देखें यहाँ कर्सर है, हाई सपोर्टिव है लेकिन लो डायरेक्टिव है, ठीक है, यानी सपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हैं, डायरेक्शन कम दे रहे हैं कि यार ऐसे करो वैसे ना करो। और मजीद नीचे आ जाए तो डेलीगेटिंग है, ठीक है, यहाँ पे कि ये रहा कर्सर। अब डेलीगेट करना, यानी अभी हमने बात की कि अथॉरिटी को ऊपर से नीचे ट्रांसफर करना, तो क्या लो सपोर्टिव है और लो डायरेक्टिव है। तो बेसिकली ये बताया गया है, सबसे नीचे अगर मैं देखूं ये जो कर्सर है, अगर आप ये देखें कर्सर को कि डेवलप और यहाँ पे डेवलपिंग, कि अगर आप इस तरफ जाएंगे ग्राफ के इस हिस्से पे जाएंगे तो ये डेवलपिंग है और ग्राफ के इस हिस्से पे जाएंगे डेवलप्ड है। क्या मतलब हुआ, डेवलपिंग वो चीज जो बन रही है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन या अपनी टीम को बना रहे हैं तो आपने डायरेक्शन भी देनी है, आपने उसकी कोचिंग भी देनी है, फिर वो चल पड़ी गाड़ी, सपोर्ट करते रहना है थोड़ा बहुत, अब उससे आगे चल पड़ी तो आप बस डेलीगेट कर दो, यार अब ये इस काबिल हो गए, अपना काम खुद कर सकते हैं, बस अब इनको अथॉरिटी क्या करो, डेलीगेट कर दो, यानी बन चुके हैं, फ्रीज हो चुका है, तो इसको कहेंगे डेवलप्ड। ये देखो कर्सर है डेवलप्ड, यहाँ कर्सर देखो डेवलप्ड आ रहा है, ठीक है, यानी बन गया है, डेवलप्ड हो चुका है। जब चीज हो चुके है ना, अब आप अथॉरिटी डेलीगेट करो। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो शुरू से उसके वाले साहब ने उसको पाला, शुरू में उसको चीजें नहीं आती थी, आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, जब डेवलपिंग फेज में था उसको डायरेक्शन भी दी उसके वाले साहब ने, ठीक है, उसको कोच भी किया, उसको समझाया, उसकी मेंटरिंग भी की, उसकी टीचिंग भी की। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, करने लगा, लेकिन कुछ गलतियां होती थी उसमें, उसके वाले साहब उसको सपोर्ट करते थे। मजीद वो आगे गया, मैच्योर हुआ और बड़ा हुआ, अब वो पूरा
माशाल्लाह फुल फ्लैश प्रोफेशनल बन गया है, ठीक है, एक मेच्योर मैन बन गया है, ठीक है। अब उसके बाद वो इस लेवल पे पहुंच गया कि चीजों को खुद वो टैकल कर सकता है, तो अब आप उसको अथॉरिटी क्या कर दें, डेलीगेट कर दें, यानी वो पूरी तरीके से क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, जब चीज डेवलप्ड हो जाती है तभी अथॉरिटी को क्या किया जाता है, डेलीगेट किया जाता है। ये वजह है कि डेवलप्ड को डेलीगेट में लिया गया है। और यहाँ पे शुरू शुरू में जब चीज बन रही होती है तो आपको डायरेक्ट भी करना होता है, आपको टाइम भी देना होता है, आपको उसके कोचिंग वगैरह भी करनी होती है। तो यहाँ पे इसलिए ये डेवलपिंग में आया है, ठीक है। तो ये लो टू हाई गया है, तो ये ग्राफ समझ आ रहा है बेटा, ये डायरेक्टिव बिहेवियर है और ये सपोर्टिव बिहेवियर है। तो हमने यहाँ S1 से शुरू किया, फिर S2 पे आया, S3 पे और फाइनली S4 पे आया। यानी जब चीज पूरे अपने मेच्योरिटी को पहुंच जाएगी तभी तो आप अथॉरिटी डेलीगेट करोगे। ऐसा थोड़ी है कि आए दिन कोई नया फ्रेश बंदा आया ऑर्गेनाइजेशन में, नया एम्प्लॉयर हुआ और आपने उठा के उसको अथॉरिटी डेलीगेट कर दिया और उसको कुछ पता ही नहीं है। वो एक प्रोसेस से गुजरेगा, जब वो इस ग्राफ के इस स्टेज पे पहुंचेगा S4 वाली, तब जाके आप उसको अथॉरिटी को डेलीगेट करोगे, ठीक है। पहले उसकी कोचिंग होगी, डायरेक्शन दी जाएगी, सपोर्टिंग होगी, मेंटरिंग होगी, ठीक है, फिर आखिर में अथॉरिटी की डेलीगेशन आएगी, ठीक है। तो ये है, तो आज के बेसिकली लेक्चर में थोड़ा लंबा हो गया ये लेक्चर, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े, लीडरशिप के ग्राफ से पढ़े, ब्लॉक डायग्राम से पढ़े, और इसके हमने टाइप्स पढ़ी, कौन सी लीडरशिप किस तरह से कब यूज करनी है प्रैक्टिकली वो हमने पढ़ी, ठीक है। ये कुछ ग्राफ्स भी इसके अंदर आए, ये ब्लॉक डायग्राम बहुत अच्छी ब्लॉक डायग्राम है, इसमें काफी सारी चीजों को कंक्लूड कर दिया गया है। ये एक मैगजीन इंडिविजुअल इन सोसाइटी न्यूयॉर्क 1962 से, वहां से ब्लॉक डायग्राम ली गई है। हेल्दी ग्रुप और सिक ग्रुप के दरमियान फर्क हमने पढ़ा है। और फाइनली ये जो ग्राफ है ये बहुत अच्छा ग्राफ है, जिसके अंदर बहुत थी कम वक्त के अंदर आपको सारी चीजों को मिला के समझाया गया है कि आपने कब अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, कब आपने कोचिंग करनी है और किस चीज पर आपने सपोर्टिव होना है, किस चीज पर डायरेक्टिव होना है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इधर ये आपका लीडरशिप का जो है टॉपिक खत्म होता है। अगर इसमें कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है जस्ट इन केस, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं उसको रिपीट करा दूंगा। इसके अलावा इंशाल्लाह जब हमारी जून में यूनिवर्सिटी खुलेगी तो अगर कोई आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं या अगर आप कोई टॉपिक रिपीट करवाना चाह रहे हैं क्योंकि वीडियो पे क्लियर नहीं हो सका, तो हम उसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, वी विल हैव स्टिल टाइम, ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है, कोई चीज़ रिपीट करवानी है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, नहीं तो जब इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खुलेगी तो अगर कोई चीज़ रह गई है तो हम उसको तब भी देख सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।